महादेव का वो मंदिर जहाँ पर मृत व्यक्ति भी कुछ समय के लिए जीवित हो जाता है। लाखा मंडल एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर शक्तिवाद के बीच लोकप्रिय है, जो मानते हैं कि इस मंदिर के दर्शन करने से उनके दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। लाखा मंडल का नाम दो शब्दों से मिलता है, लाख का अर्थ है कई और मंडल का अर्थ है मंदिर या लिंगम। भारतीय खोजकर्ताओं ने खुदाई की तो बहुत सारे कलात्मक कार्य पाए गए और भगवान शिव का ये नगर शैली के मंदिर में लगभग 12 या 13वीं सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था और ये भी कि बड़ी संख्या में मौर्य और स्थापक सदस्य आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे और जो अतीत में एक ही पंथ के अधिक मंदिरों को अवशेषों का सुझाव देते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल यही एक मंदिर बचा है। लाखा मंडल रचनात्मक गतिविधि के सबसे पहला प्रमाण लगभग 5 या 8 ईसा पूर्व तक जाता है। पत्थरों के नीचे देखी गई ईंटों की रचना के आधार पर पिरामिड की रचना का निर्माण होता हुआ दिखता है। ध्यान से देखने पर साइट का एक पत्थर शिलालेख 6वीं सदी ईसा पूर्व राजकुमारी ईशरा द्वारा लाखा मंडल में शिव मंदिर के निर्माण का रिकॉर्ड दिखता है और जो सिंहपुरा की शाही दौर से संबंधित है। जलंधर के राजा के बेटे चंद्रगुप्त के आध्यात्मिक कल्याण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिखाया गया है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ग्रेफाइट शिवलिंग है, जो कि भीगने पर चमकता है और अपने परिवेश को दर्शाता है। महामंडेश्वर महादेव, जिसका मंदिर देहरादून के 128 किलोमीटर दूर लाखा मंडल नामक स्थान पर है, ये वही स्थान है जहां पर पांडवों को लाखा मंडल बनवाकर कौरवों ने आग लगाकर मारने की कोशिश की थी और वह एक सुरंग से बाहर निकलकर चले गए थे और इसी के कारण इस स्थान का नाम लाखा मंडल पड़ा था। इससे निकलकर पांडवों ने जो मंदिर बनवाया था वो गए मंदिर वही है और महादेव की स्थापना यहाँ पर युधिष्ठिर ने की थी। इस जगह के पास एक और गुफा के स्थानीय जौनसारी भाषा में धुंधी अधूरी कहा जाता है। धुंधी या धुंध का अर्थ है धुंधला या धूमिल और अधूरी का अर्थ है गुफा या छिपाया हुआ स्थान। स्थानीय लोगों का मानना है कि पांडवों ने दुर्योधन से खुद को बचाने के लिए इस गुफा में शरण ली थी। यहाँ पर शिवलिंग के सामने दो मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं, जिनसे एक का हाथ नहीं है। ऐसा क्यों अभी तक ये रहस्य बना हुआ है? पर यहाँ का जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो जिसमें समस्त मेडिकल टीम और वैज्ञानिक अचरज में पड़ जाते हैं, और वो ये है कि किसी भी मृत व्यक्ति का यहाँ पर जिंदा हो जाना, जब किसी मृत व्यक्ति के शरीर को शिवलिंग और पुत्रों के पास रखकर जब मंदिर के पुजारी पवित्र गंगा जल मृत शरीर पर छिड़कते हैं तो वह आदमी जिंदा हो जाता है और ईश्वर का नाम लेता है। फिर पुजारी उसके मुंह में गंगा जल डालते, उसके बाद उसका शरीर फिर से मृत हो जाता है। और यही नहीं कि यहाँ तक अगर मंदिर के सामने से अगर किसी मृत व्यक्ति को ले जाया जाता है तो मंदिर के सामने पहुँचने पर उसके शरीर में भी हलचल होती है। जिन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता है और वो लोग और वैज्ञानिक भी इस चमत्कार को अपनी आँखों से देखने जाते हैं और जब वह सब अपनी आँखों से देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता और अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और इसके अलावा जिसके घर संतान नहीं होती उसकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। तो ये थी लाखा मंडल एक प्राचीन हिंदू मंदिर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और अच्छे से कंटेंट ला सकें। जय भोलेनाथ।